वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में ग्लाइडिंग व्हील का जो स्पेसिफिकेशन रहता है उसके पहले दो एलिमेंट्स को हम लोग समझेंगे। जैसे पहला किस क्या डिनोट करता है, एब्रेसिव मटेरियल, दूसरा क्या ग्रेन साइज। अब एब्रेसिव जो बन रहे हैं ये एब्रेसिव्स हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स बनाए अलग से, उसको बॉन्डिंग मटेरियल के साथ मिक्स किया और ग्राइंडिंग व्हील के शेप में उसको दे दिया गया। तो अब एब्रेसिव पार्टिकल्स जो बन रहे हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से बने होंगे, कोई भी मटेरियल मतलब आयरन कार्बन, किससे बने हैं, कौन से मटेरियल से बने हैं अपने को ये देखना है। अब जिस मटेरियल से भी अपन लोग एब्रेसिव पार्टिकल्स बना रहे हैं, जिस भी मटेरियल से, उसकी कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे कि एब्रेसिव पार्टिकल क्या होना चाहिए, मटेरियल जो है एब्रेसिव पार्टिकल का हार्डनेस, हाई हार्डनेस मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए एब्रेसिव पार्टिकल बनाने के लिए, क्योंकि हार्डनेस होगी तभी तो मशीनिंग कर पाएगा। वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब एब्रेसिव पार्टिकल जिस मटेरियल से बन रहा है वो मटेरियल क्या होना चाहिए, वियर रेजिस्टेंट होना चाहिए, जल्दी से वो वियर ना हो जाए, वॉर्न आउट ना हो जाए मशीनिंग करने के दौरान। उसके बाद टफनेस इसकी जो होनी चाहिए वो भी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हाई स्पीड में जब रोटेट करेगा एब्रेसिव पार्टिकल तो उसका मटेरियल की टफनेस ज्यादा है तो ज्यादा देर तक विथस्टैंड कर पाएगा, क्योंकि इंपैक्ट भी क्रिएट होगा। उसके बाद जो एब्रेसिव पार्टिकल का मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, उसकी एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए फ्रीएबिलिटी। फ्रीएबिलिटी मतलब अपने आप फ्रैक्चर हो जाना जब वो वॉर्न हो चुका है, मतलब जब वो वॉर्न हो चुका है तो अपने आप क्या हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए डल होने के बाद, उसको क्या बोलते हैं फ्रीएबिलिटी। और डल होने के बाद, फ्रैक्चर होने के बाद जो न्यू शार्प एज है वो पीछे से चले आए, न्यू शार्प एज जो है पीछे से आगे आ जाए, तो उसको बोलते हैं फ्रीएबिलिटी। तो ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मटेरियल की, जिस भी मटेरियल से अपन लोग बनाएंगे एब्रेसिव पार्टिकल्स। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है उसकी वर्क पीस की एफिनिटी कितनी है उस मटेरियल की, वो भी चेक करनी पड़ती है, क्योंकि लेस रिएक्टिव रहेगा, दोनों रिएक्टिविटी रहेगी दोनों मटेरियल के बीच में तो लेस वियर होगा और डलिंग जो रहेगी वो भी कम होगी, तो लेस एफिनिटी वाला मटेरियल यूज करना चाहिए जिससे वर्क पीस के साथ एफिनिटी क्या हो, कम हो। अब जो कॉमनली यूज मटेरियल है, जिन मटेरियल से अपन लोग एब्रेसिव पार्टिकल्स बना सकते हैं, वो पहला कौन सा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। ये दोनों क्या है, नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स हैं, ये नेचुरली पाए जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। अगर हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला जो मटेरियल है वो सॉफ्ट मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सिलिकॉन कार्बाइड वाले अगर एब्रेसिव्स हैं तो वो हार्ड मटेरियल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और भी एब्रेसिव मटेरियल्स हैं जैसे कि क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड जो है वो बहुत ही हार्ड मटेरियल, बहुत ही हार्ड वर्क पीस के लिए, ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद डायमंड के भी एब्रेसिव पार्टिकल्स बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है तो इसको जनरली अपन लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस जैसे ग्लास की ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इनमें से मैंने पहले दो जो बताया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड मटेरियल, ये नेचुरली अकरिंग है, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड ये सिंथेटिक मटेरियल है, और डायमंड जो है वो नेचुरली भी होता है और सिंथेटिक भी इसको रिफॉर्म करके बनाया जा सकता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉफ्ट मटेरियल के लिए, सिलिकॉन कार्बाइड हार्ड मटेरियल के लिए, और क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड बहुत हार्ड मटेरियल के लिए, जनरली यही तीन इस्तेमाल होते हैं। अगर मार्किंग सिस्टम में, ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग सिस्टम में ए लिखा है तो उसका मतलब क्या है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगर यहाँ पे मान लो सी लिखा है एक जगह में तो इसका मतलब है वो सिलिकॉन कार्बाइड या CBN का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है एब्रेसिव बनाने के लिए। तो A फॉर एब्रेसिव मटेरियल नहीं है, A का मतलब है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस्तेमाल किया गया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एब्रेसिव पार्टिकल्स इस्तेमाल किए गए हैं ग्राइंडिंग व्हील में। तो पहला टर्म क्लियर आपको। उसके बाद दूसरा टर्म जो है वो क्या है, क्या डिनोट करता है दूसरा टर्म, ग्रेन साइज। अब ग्रेन साइज एब्रेसिव जो है मैंने पहले बताया बहुत ही छोटे होते हैं। अगर एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से एब्रेसिव को कंपेयर किया जाए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की साइज बहुत बड़ी रहती है, उसके कंपैरिजन में अगर एब्रेसिव को उससे कंपेयर किया जाए तो एब्रेसिव बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही छोटे होते हैं अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो। इसमें शार्प एजेस रहती हैं जो कि बहुत ही स्मॉल मटेरियल रिमूव करती हैं, अच्छी सरफेस फिनिश प्रोवाइड करती हैं। अब एब्रेसिव पार्टिकल्स जो है वो छोटे तो होते हैं लेकिन छोटे में भी उनकी साइज जो है वेरी करती है। अब उनकी साइज जो है एब्रेसिव पार्टिकल्स की वो किससे अपन लोग डिनोट कर सकते हैं, ग्रिट नंबर या ग्रेन साइज नंबर से।
एब्रेसिव पार्टिकल्स की जो साइज है वो किससे डिनोट करेंगे, ग्रिट नंबर या ग्रेन साइज से। ग्रिट ग्रेन साइज नंबर, ग्रिट नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेन साइज। समझ रहे, समझने की कोशिश कीजिए। अगर ग्रिट नंबर 10 से 20 तक का ग्रिट नंबर के एब्रेसिव साइज एब्रेसिव पार्टिकल्स अपन यूज करें तो इसका मतलब क्या है, वो कोर्स ग्रेन्स है, मतलब बड़े ग्रेन्स है, साइज उसकी क्या है, बड़ी है। उसके बाद 30 से 60 ग्रिट नंबर के अपन ने ये क्या है, ग्रिट नंबर या ग्रेन साइज नंबर। 30 से 60 ग्रिट नंबर के अपन ने एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज करें तो वो क्या है, मीडियम ग्रेन्स उनको कहेंगे। उसके बाद 80 से 180 ग्रिट नंबर के एब्रेसिव पार्टिकल्स इस्तेमाल किए गए तो उन्हें फाइन ग्रेन्स कहेंगे। उसके बाद 220 से यदि 500 550 तक के ग्रिट नंबर का एब्रेसिव पार्टिकल इस्तेमाल किया गया तो उसे कहेंगे वेरी फाइन ग्रेन्स। मतलब आप देख रहे हैं जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज जो हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब ग्रिट नंबर ज्यादा है तो एब्रेसिव पार्टिकल छोटा है, ग्रिट नंबर कम है तो एब्रेसिव पार्टिकल बड़ा है। कोर्स ग्रेन मतलब बड़ा, फाइन ग्रेन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो ग्रिट नंबर बड़ा ज्यादा है तो ग्रेन छोटा है, ग्रिट नंबर कम है तो ग्रेन क्या है अपना, यहां पे ये क्या डिनोट कर रहा है, ग्रेन साइज। क्लियर। आप ध्यान दीजिए जो रफ मशीनिंग करनी है, एब्रेसिव ग्राइंडिंग में भी रफ मशीनिंग और फाइन मशीनिंग हो सकती है, उसमें भी कैसे डिफाइन करोगे, कम मटेरियल रिमूव करना है ज्यादा रिमूव करना, वो भी डिपेंड करेगा कौन सा ग्रेन आपने यूज किया है। अगर रफ मशीनिंग अपने को करनी है तो अपने क्या करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा ग्रेन लेना पड़ेगा। जब बड़ा ग्रेन रहेगा, इतना बड़ा ग्रेन रहेगा और इतना बड़ा, दो ग्रेन है अपने पास और ये तीसरा ग्रेन और ये इतना, इस तरह के ग्रेन अवेलेबल हैं। तो अपने को ज्यादा मशीनिंग करनी तो अपने को बड़ा ग्रेन कोर्स ग्रेन लेना पड़ेगा ना, ये कोर्स ग्रेन हो गया। तो रफ मशीनिंग के लिए अपने को कोर्स ग्रेन लेना पड़ेगा, मतलब छोटे ग्रिट नंबर वाला ग्रेन अपने को चूज करना पड़ेगा एब्रेसिव पार्टिकल। और फाइन मशीनिंग करनी, फाइन मशीनिंग करनी मतलब बहुत ही कम मटेरियल रिमूव करना है, सरफेस फिनिश अच्छी चाहिए, तो उसके लिए अपने को छोटा ग्रेन साइज का एब्रेसिव पार्टिकल लेना पड़ेगा, मतलब ज्यादा ग्रिट नंबर वाला एब्रेसिव पार्टिकल अपने को चूज करना पड़ेगा। अब और समझते हैं, जो छोटा ग्रेन रहता है, जो छोटे ग्रेन साइज रहते हैं, जो छोटे ग्रेन्स रहते हैं वो हार्ड मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि उसमें मटेरियल रिमूव बहुत कम होता है, सिर्फ हल्की सी फिनिशिंग होती है हल्का सा मटेरियल रिमूव होके। और जो बड़े ग्रेन्स रहते हैं, कोर्स ग्रेन्स जो है वो सॉफ्ट मटेरियल के लिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि मटेरियल सॉफ्ट है तो उसमें मटेरियल रिमूविंग की कैपेसिटी भी ज्यादा है क्योंकि मटेरियल सॉफ्ट है जल्दी रिमूव हो जाएगा, तो उसके लिए कोर्सर ग्रेन इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट मटेरियल के लिए, हार्ड मटेरियल के लिए फाइन ग्रेन इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा आपका एब्रेसिव मटेरियल और ग्रेन साइज का डिस्क्रिप्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।